बेयर मार्केट में भी शिबा नो जैसी मीम कॉइंस बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इस वक्त भी ये अपने मेटावर्स को लगातार एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट दे रहे हैं। यही कारण है कि अभी शिबा इनू में फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जो भी लोग शिबा इनू होल्ड कर रहे हैं, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास कितने शिबा इनू कॉइंस हैं और आपने किस प्राइस पे बाय किए थे, यानी कि हमने ये देखना कि क्या अभी आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। तो हम यहाँ शिबा इनू का टेक्निकल एनालिसिस तो करेंगे, इसी के साथ पूरा प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इसके मेटावर्स के बारे में और इसके और भी कई सारी अपडेट्स जो अभी आने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि अभी हमारा जो वॉलेट प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम चैनल ओपन हो चुका है, जो अभी $40 में आपको मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहाँ $1,000 का प्रॉफिट मिलेगा। पिछले 15 दिन के अंदर हमने यहाँ लगभग 500% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो टेलीग्राम के सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है वो यही है कि लीश को एक्सेप्ट किया जा रहा है नाउ पेमेंट्स के द्वारा। पहले वहां सिर्फ शिबा इनू को एक्सेप्ट किया जा रहा था, अभी शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है उसमें से एक लीश कॉइन भी है जिसको वो एक्सेप्ट करके उसके बदले में हमें फिएट भी दे रहे हैं। यानी कि हर जगह पे इन कॉइन्स को यूज किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स पे भी इनको लिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें पिछले फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन मेटावर्स के ऊपर और भी ज्यादा काम चल रहा था। आप यहाँ सामने कुछ इमेजेस देख सकते हैं जिसमें मेटावर्स को बिल्ड किया जा रहा है। तो शिबा इनू का जो मेटावर्स है यही सबसे बड़ी अपडेट है, जो कि वर्चुअली डिस्प्लेड शिबा इनू आपको यहाँ दिखेंगे, यानी कि जितने भी इनके कुत्ते हैं। तो एक्चुअल में शिब मेटावर्स जो है इन्होंने एसोसिएशन किया है विजुअलाइजेशन स्टूडियो द थर्ड फ्लोर के साथ। इससे पहले भी शिबा इनू के कई सारी एसोसिएशन है, यानी कि कई सारी पार्टनरशिप्स आ चुकी हैं। इसी के साथ इन्होंने अनवील किए मेटावर्स के लैंड, और इसी के साथ माउंटेन्स रॉकेट पॉन्ड भी इन्होंने लॉन्च किए हैं अभी। यही कारण है कि अभी शिबा इनू का प्राइस अभी थोड़ा अपट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा सितंबर मिड के बाद। अभी देख रहे हो मिड तो आ ही चुका है, अब इन दिनों के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है अगर बीटीसी यहां से थोड़ा ऊपर अपवर्ड मूव लेता है। तो अभी रॉकेट पॉन्ड का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में ये जो रॉकेट पॉन्ड लेकर आए हैं, वैसे तो रॉकेट का मतलब यही होता है कि जब कॉइन पंप करता है या फिर हमें लगता है अभी कॉइन टू द मून चला जाएगा या फिर बहुत ऊपर चला जाएगा, तब हम रॉकेट को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम शिबा इनू के मेटावर्स को देखें तो यहाँ हिडन रिजॉर्ट्स दिखाए जाते हैं रॉकेट पॉन्ड में, जो कि सारे के सारे माउंटेन्स में है। इसी के साथ यहाँ कुछ मॉडर्न लग्जरीज हैं, टूरिस्ट एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं जिसमें रॉकेट एक्सपीरियंस दिखाया गया है, रेस्टोरेंट्स है, लॉन्ज है, स्पास, पूल्स, वाटर स्पोर्ट्स, हैंग ग्लाइडिंग, तो बहुत कुछ इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये लोकेशंस के जो आर्ट आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं, कुछ मॉस्को से लिए गए हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की हैमली विलेज, केप कैनावल, तो कई जगह से इवन लेक भी लिया गया है, और इन्हीं जगहों को मेटावर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ फ्लोरा इंस्पिरेशन भी रहेगा, फौना इंस्पिरेशन भी रहेगा, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हिडन वाटरफॉल्स होंगे, पैडल बोर्डिंग। तो ये सारी चीजें उनके लिए मैटर करने वाली हैं जो मेटावर्स में शायद गेम्स भी खेलेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इतना बड़ा, अगर इतना कॉम्प्लेक्स और इतने हाई लेवल का मेटावर्स क्रिएट किया जाएगा, तो इससे जो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा वो शिबा इनू के प्राइस के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का जो वैल्यू चल रही है वो 0.00011 चल रही है, यानी कि 14th रैंक पर अभी भी ये टिका हुआ है, अटका हुआ है। तो एक चीज़ तो सही है कि जो शिबा इनू का 24 आवर का वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि रेगुलरली इसकी ट्रेडिंग करी जाती है शिबा इनूज की, और इसी के साथ इसका मार्केट कैप भी स्टेबल चल रहा है बहुत लंबे समय से, और अभी ये कोशिश करेगा 0.0012 लेवल को हिट करने का, और उसके बाद हमें और भी लंबी रैली देखने को मिल सकती है। तो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो इसका मेटावर्स है यही एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा शिबा इनू के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। और ये सारी डेवलपमेंट्स डॉज कॉन में हमें नहीं देखने को मिल रही हैं, ना ही हमें ज़्यादातर बेबी डॉज में दिख रही। हालांकि बेबी डॉज शिबा इनू से बहुत बड़े लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, यानी कि वो पूरे तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी शिबा इनू को कम्पीट भी करें और उससे भी नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ बनाकर लाएं। लेकिन बात यह कि शिबा इनू ने जो टीम हायर करी है, पहले भी इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, तो इनकी टीम में हमेशा बेस्ट डिज़ाइनर्स आते हैं, बेस्ट विजुलाइजर्स आते हैं। इसी के साथ अभी जो बाइनेंस कार्ड से अर्जेंटीना में, तो वहाँ भी शिबा इनू को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि आप कार्ड के द्वारा शिबा इनू के द्वारा पेमेंट्स कर पाओगे, जो अगेन एक बहुत बड़ा स्टेप है, यानी कि ऑफलाइन भी इसको यूज़ किया जाएगा, जैसे कि नाउ पेमेंट्स का आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इस वक्त अभी आखिर में अगर हम बात करें शिबा इनू के न्यूमरस यूज़ केसेस आ चुके हैं, बहुत बड़ा यूज़ केस भी है, फंडामेंटली बेस्ट कॉइन बन चुका है, सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रह चुका। लेकिन हमें यहाँ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार थोड़ी सी और रिकवर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चल रही है। इस वक्त अगर हम मोस्ट वॉलेटाइल हाई रिस्क कॉइन्स की बात करें तो उनमें से शिबा इनू, डॉजकॉइन, बेबी डॉज जैसे कॉइन आते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि जब बीटीसी या फिर मार्केट गिरनी शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा जो बुरा इंपैक्ट दिखता है वो मीम कॉइन्स के ऊपर ही दिखता है, जिसमें शिबा, डॉज, बेबी डॉज, तो इस तरह के कॉइन्स सबसे ज़्यादा नीचे गिरते हैं।
तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि बेबी टॉच है या फिर डॉज कॉइन या फिर कोई और, जैसे कि सेफ मून हो, सेफ मार्स हो, एक बार नीचे कमेंट जरूर करना, मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।